हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कोमल और मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे पाव भाजी। पाव भाजी की भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 बड़े साइज के गाजर, जो जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 1 बड़ी शिमला मिर्च, 2 बारीक कटे हुए प्याज, 1 छोटी चुकंदर और 2 से 3 टमाटर। हमें सबसे पहले टमाटर, चुकंदर और मिर्च को मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। आप चाहे तो चुकंदर को हटा भी सकते हैं, ये सिर्फ इसका कलर चेंज करने के लिए मैंने लिया है। ये पिसकर रेडी है, इसका कितना बढ़िया कलर आया है। चुकंदर डालने की वजह से हमें इसमें कोई भी फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच मक्खन ऐड किए हैं। फिर इसमें हम 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। इसमें मैंने प्याज और गाजर को डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च में थोड़ा 1 मिनट के कुक होने के बाद डाल देंगे, क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी कुक हो जाती है और गाजर कुक होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इसलिए गाजर और प्याज को एक साथ ही मैंने डाल दिया। इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं, बस 1 मिनट सॉफ्ट होने तक पकाना है। अब थोड़ा इसमें सीजनिंग के लिए नमक ऐड कर देंगे, ताकि गाजर अच्छे से जल्दी कुक हो जाए। 1 मिनट हो गए हैं, अब इसमें शिमला मिर्च को ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। हमें प्याज या सभी सब्जियों को क्रंची नहीं करना है, बस थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए, ताकि पोटैटो मैशर से हम इसको मैश कर सकें। सिर्फ इतना ही सॉफ्ट करना है, इतना ही कुक करना है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला डाल देंगे। टमाटर और चुकंदर का जो पेस्ट है, हम इसे भी ऐड कर देंगे। ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर आ रहा है। हम इसे 2 से 3 मिनट तक उबाल आने तक अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें कुछ रख हुए लहसुन भी डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप यूज कर सकते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें आलू को ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा 1/2 ग्लास का पानी डालेंगे। इसको हम पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से मैश हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 पूरा नींबू का रस। नींबू का रस को आप लास्ट में ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा उसका। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी भाजी बनके रेडी है। अब हम इसकी पाव की तैयारी कर लेते हैं। पाव से के लिए हम तवे पे डालेंगे थोड़ा सा मक्खन और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और फिर हम इसमें पाव को इसे बच्चे को सेक लेंगे। हमें तो बहुत ज़्यादा सेकना नहीं है, बस हल्का सा इसमें बस मक्खन और मसाले का टेस्ट आ जाए तो हम इतना ही सेक लेंगे इसे। ये देखिए इसी तरह से हमें सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा और। पाव भी हमारी रेडी है, तो चलिए अभी इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी पाव भाजी बनके रेडी है। इसमें एक ज़रूरी चीज़ है, वो है कि भाजी में ऊपर से बटर डालना। इसमें अगर ऊपर से आप बटर डाल देंगे तो ये बहुत ही देखने में भी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो चलिए इसे खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान।